राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है, अब केंद्र सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और इसीलिए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनें तैनात की गई हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है एक 4 नंबर पे, एक 5 नंबर पे, और इन ट्रेनों को अब कोविड-19 आइसोलेशन कोच में तब्दील कर दिया गया है। शकूर बस्ती पर भी ट्रेन खड़ी की गई है, आनंद विहार पर भी ट्रेन खड़ी कर दी गई है और ये दोनों प्लेटफॉर्म पर आप जो ट्रेनें देख पा रहे हैं, इन्हें अब कोविड के मरीजों के इलाज में और उन्हें आइसोलेशन में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म इस लिहाज से भी बेहतर है, यहां पर इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस सीधे प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, यानी मरीजों को अगर कहीं से लाना है तो सीधे लाएं और यहां प्लेटफॉर्म से लेते हुए इन्हीं डब्बों तक लाया जा सकता है। लेकिन इन कोविड सेंटर आइसोलेशन कोच, क्या वो इस काबिल हैं, इतना सक्षम है कि मरीजों का यहां इलाज हो सकता है, उन्हें रखा जा सकता है? आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही आप यहां से अंदर घुसते हैं, सबसे पहले इस आइसोलेशन वार्ड में आपको ये एक ट्रांसपेरेंट शीट मिलेगी। अंदर कुल मिलाकर ऐसे 8 कूपे होते हैं, हर स्लीपर कोच में 8 कूपे होते हैं। हम इसके अंदर आ गए और हर कूपों के बीच में इस तरह से ये एक पारदर्शी है, पन्नी लगा करके रोका गया है और इसको बाकायदा एक बेड, आप इसको एक वार्ड समझ लें कि हर ट्रेन के अंदर ऐसे 8-9 कुल मिलाकर के कूपे होते हैं। एक कूपे को छोड़ दिया गया जहां पर आवश्यक सामान रखे जाएंगे और 8 कूपों में कुल मिलाकर ऐसे 2 बेड होंगे जहां पर जो कोविड के मरीज हैं वो रह सकेंगे। तो हर किसी के लिए यहां पर कूड़े का डब्बा भी है कि अगर चाहे वो अपने खाने पीने का सामान हो या दवाइयां हो वो इसमें रख सकते हैं। साथ ही क्योंकि रेलवे स्टेशन का इलाका है, खुला भी होता है, ऐसे में मच्छर परेशान ना करें उनसे बचने के लिए ये जो आप जाली देख रहे हैं ये लगाई गई है। तो ये मच्छरों से बचाव के लिए जाली, हर खिड़की पर आपको ये जाली मिलेगी, ये मरीजों की सुरक्षा के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए है। अब ऐसे में इमरजेंसी स्थिति होती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। रेलवे ने अपने इस टेम्पररी हॉस्पिटल में, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था की गई है। हर कूपे में इस तरह के 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जिनसे लगभग 8 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। ये वो ऑक्सीजन पाइप है जिसको हम देखते हैं अमूमन जो मरीज हैं चेहरे पर लगाते हैं ताकि बेहतर तरीके से सांस ले सकें। अब आपको कूपे में आगे बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं व्यवस्था दिखाने के लिए। तो इस तरह से चूंकि अस्पताल अब बनकर तैयार हैं, जल्दी ही दिल्ली सरकार को ये हैंडओवर कर दिए जाएंगे, आप जैसे ही इन कूपों में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 2-2 मरीजों के रहने के लिए व्यवस्था इसी तरह की, यहां पर जाली और दोनों तरफ मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि ये खुला इलाका है और हर जगह कूड़ेदान की ये व्यवस्था। रेलवे की ये तैयारी है इस महामारी से निपटने के लिए, सरकार के अस्पताल कम न पड़ जाए। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार ने अपने बंदोबस्त के लिए तमाम होटल, गेस्ट हाउस, बैंकेट हॉल को टेक ओवर तो किया है, लेकिन आपदा बड़ी है और जैसा कि सरकार का अंदेशा था कि जुलाई में केस 5 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ी तो उन्हें कहां रखेंगे? और शायद इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे ने कमर कसी और अब ये मेकशिफ्ट अस्पताल राजधानी में बनकर तैयार हैं।